चाय और कॉफ़ी को कम इस्तेमाल करें विदाउट शुगर और ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह नाश्ते टाइम अगर आप स्नैक्स लेंगे लाजमील लेंगे पूरे दिन में सिक्स तो आप बहुत आसानी से अपने आप को मेनटेन कर सकते हैं आपका वेट गेन नहीं होगा और मोस्टली लोग पूछते हैं हम ब्लैक कॉफ़ी में सूट नहीं करते हम ग्रीन टी पी सकते हैं यस आप ग्रीन टी पी सकते हैं आप दो से तीन कप ग्रीन टी पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं असलम क्लिनिकल डाइटेशन एंड न्यूट्रेशन डॉक्टर क़िला मुश्ताक एम एमक्रेन वर्किंग एट लाहौर बोली क्लिनिक एंड लाइफ लाइन हॉस्पिटल आपका बहुत ज़्यादा विंटर में वेट गेन हो जाता है ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको मेटेन कैसे कर सकते हैं सिंपल है आपने पानी का इंटेक अच्छा करना है डिहाइड्रेशन अपनी बॉडी में नहीं आने देनी आपको रिकमेंड होते हैं आठ से दस गिलास आपने पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपसे नॉर्मल टेम्पेचर का पानी नहीं पिया तो आप नींद गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने से पहले या खाने के बाद चाय और कॉफ़ी को कम इस्तेमाल करें विदाउट शुगर और ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह नाश्ते टाइम ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाते हैं सिंपल सी रेसिपी आपने नीम गर्म पानी लेना है उसमें टी पैड डालकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लो फैट मिल्क टी पीना चाहते हैं वो भी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं फिर विंटर्स के अंदर नट्स को बहुत अच्छे तरीके से अपनी डाइट के अंदर ऐड करें ताकि आपकी क्रेविंग कम हो सके दिन के टाइम सिर्फ आप दो मील लेते हैं और रात के टाइम आप चार मील कैसे ले लेते हैं छोटे छोड़ छोटे मील्स इनटेक करना शुरू कर देते हैं अगर आप स्नैक्स लेंगे लार्ज मील लेंगे पूरे दिन में सिक्स तो आप बहुत आसानी से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं आपका वेट गेन नहीं होगा विंटर्स के अंदर स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है या बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते है। तो e e हैं तो आपने अपनी डाइट के अंदर सबसे पहले विटामिन ई कैप्सूल विटामिन ई कैप्सूल आपने फेस पर लगा सकते हैं उसका मास्क बनाकर या विटामिन ई कैप्सूल का बालों पर लगा सकते हैं इससे क्या होगा आपके बाल और आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी फिर उसके बाद आप ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक कॉफ़ी आपके हार्ट सर्कुलेशन को बहुत फास्ट करती है फैटी लिवर को सही करती है और आपका वेट इंक्रीज़ नहीं करेगी अब मोस्टली लोग पूछते हैं हम ब्लैक कॉफ़ी हम सूट नहीं करते हम ग्रीन टी पी सकते हैं आप ग्रीन टी पी सकते हैं आप दो से तीन कप ग्रीन टी पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं इससे क्या होगा आपके डाइजेशन सिस्टम फास्ट होगा आपका वेट गेन नहीं होगा आसानी से आप अपनी बोल खाना जितना भी खाएंगे डाइजेशन अच्छा होगा आप पूरे दिन में से दस ग्लास पानी पियेंगे तो आप विंटर्स में अपने आप को बहुत आसानी से कर सकते हैं आपको एक रेसिपी बताती हूँ जो हेयर मास्क के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर मास्क के लिए सिंपल आपने एलोवेरा जेल लेनी है आपने विटामिन ई कैप्सूल लेना है उसके अंदर आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं जो भी आपको इजीली मिले जी, आपने उसको मिक्स करना अपने बालों पे अप्लाई कर लेना अच्छे तरीके से बालों को कवर करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे इसको इस्तेमाल करना उसके बाद पहले पानी से वॉश करना फिर आपने शैंपू इस्तेमाल करेगा आपके बाल बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं आसानी से अपने बालों को भी मेन्टेन कर सकते हैं ये रेसिपी मैन वुमेन और मैन दोनों के लिए बच्चों के लिए भी सब इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हफ्ते में दो बार करेंगे आपके बाल बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे विंटर्स के लिए अपनी स्किन को ड्राई और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है या एक्टिव हो आ चुकी है तो वो रेसिपी मैं आपको बताने लगी हूँ आपने ब्लैक कॉफ़ी लेनी हाफ टी स्पून उसके अंदर आपने एलोवेरा जेल हाफ़ टी स्पून डालनी आपने लेमन जूस ऐड करना है अगर आपको में एक कैप्सूल ईजिली मिल जाता है ईवोन का तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं